मैं सबसे पहले हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनके बड़ी संख्या में साथी सहयोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक एमएलसी आदरणीय श्रीमती कांति सिंह जी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व में रहे प्रत्याशी गजराज नागर जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किशन लाल जाटव जी, ओम बीर मंडार जी, बेजराम गुजर जी, केके उपाध्याय जी, रामवीर करदम जी और बहुजन समाज पार्टी से रही प्रत्याशी श्रीमती सैयदा खातून भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जफर अहमद साहब, मुजीब अहमद जी, अनीस मंसूरी जी जो पहले भी समाजवादी पार्टी में रहे, मंत्री का दर्जा रहा इन पर और फिर पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत बधाई। इनके सभी साथी सहयोगियों का बहुत बहुत बधाई। फरजुद्दीन किदवई साहब, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। मुसीफ मुसाफिर चौहान जी, समरनाथ जी और हमारे महेंद्र निषाद जी और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। देश बचाओ पार्टी का आज समर्थन मिला है, उनके साथी लोग समाजवादी पार्टी में हैं। बीरबल सिंह कश्यप जी, विशाल जनता पार्टी, इनका भी सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में इनके साथ साथ अखंड जलवंशी सेवा संस्थान जो अपने समाज में बड़ी संख्या में लोग हैं और अपने समाज में लगातार जगाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं आज उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या नाम है? गोविंद निषाद जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि नाम बहुत हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो हॉल के बाहर हैं, हॉल में नहीं आ पाए, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि इस समय जब समाजवादी पार्टी संघर्ष में है, उनका साथ और सहयोग मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव होगा। मैं तारिक किदवई साहब का नाम भूल गया था, बाराबंकी के हैं और बड़ी संख्या में इनके सहयोगी समर्थन है और आपको तो ले दिया मैंने, आर्मी से रिटायर हैं, फौज में थे, ये फौज के बाद फादर फौज में थे और उसके बाद असली फौज में अब आ गए, समाजवादी फौज के साथ शामिल हो गए। हमारे साथ अभी ओमकार राजवत जी ने जो कहा बिजली को लेकर के और हमारे तमाम साथी सहयोगी, और जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया कि घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा और किसानों की सिंचाई माफ होगी, नए साल पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। मैं उनके भाषण सुन रहा था और उनके भाषणों में ये कहा जा रहा है कि आखिरकार बिजली कहां से आएगी। भारतीय जनता पार्टी के ना समझ बाबा मुख्यमंत्री जी, अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती। हमारे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, किसानों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और आम लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता जितना आज बिजली का बिल देना पड़ रहा है। मुझे याद है जिस समय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कुछ लोगों ने बिजली का कारखाना न लगे,
उसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि शाहजहांपुर में रोजा का प्लांट बिजली का लग करके तैयार हो गया, वो नेताजी का समय था। इसी तरह झांसी को व्यापारियों को और आम लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता जितना आज बिजली का बिल देना पड़ रहा है। मुझे याद है जिस समय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कुछ लोगों ने बिजली का कारखाना ना लगे उसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि शाहजहांपुर में रोजा का प्लांट बिजली का लग करके तैयार हो गया, वो नेताजी का समय था। इसी तरह झांसी में जो बिजली का कारखाना लगा हुआ है, अगर उस समय समाजवादी सरकार ने वो फैसले न लिए हुए होते तो शायद पारिक्षा का पावर प्लांट भी नहीं लग पाता जिसका उद्घाटन बाद में हुआ। इसी तरह लैंको का एक पावर प्लांट जो सोनभद्र में लगा, अनपारा डी जो समाजवादी सरकार में पिछली बार स्वीकृत हुआ, एमओयू कर करके पुरानी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद जो काम होना था सिंचाई का विभाग से पानी पहुंचना प्लांट तक, प्लांट को जमीन पूरी उपलब्ध कराना और प्लांट की वाकई उसके अलावा जो स्वीकृतियां प्रदान होती हैं उनको अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने, और उसका उद्घाटन भी अगर किसी ने किया था तो नेताजी ने किया था। 3x650 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो ललितपुर में बनकर के तैयार हो गया है। उसके बाद एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो जवाहरपुर योजना के अंतर्गत लग रहा है, हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री अगर ध्यान देते तो बिजली का कारखाना जल्दी बनकर के तैयार हो जाता। हरद्वारगंज में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, पनकी में सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है 660, निवेली लिग्नाइट का उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जायसवाल जी भी उसके बिजली मंत्री थे, उन्होंने और मैंने मिलकर के शिलान्यास किया था और वो भी अभी कारखाना बनकर के नहीं तैयार हुआ है। अगर वो बिजली का कारखाना बनकर के तैयार हो जाता तो आज उत्तर प्रदेश के पास बिजली पर्याप्त होती, वो बनकर के अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह सोलर प्लांट के लोग करके सोलर में बिजली को बढ़ाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। मुझे याद है जिस समय फ्रांस के स्टेट हेड उद्घाटन कर रहे थे, वो अगर योजना किसी के समय की थी सोलर प्लांट की, सोलर पावर प्लांट की, तो वो समाजवादी सरकार की थी जो मिर्जापुर में स्वीकृत होकर के प्लांट चालू हुआ था। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चाहे वो ललितपुर रहा हो, महोबा रहा हो, झांसी रहा हो, जालौन रहा हो या मैनपुरी रहा हो, सोलर पावर प्लांट अगर किसी सरकार में ज्यादा लगे हैं तो समाजवादी सरकार में उन सोलर प्लांट को लगाने का काम हुआ। हमारे बगल में बैठे हैं माझी जी, ये उस समय हमारे सरकार में हमारे साथ थे, विधायक थे और मंत्री थे। इनकी विधानसभा में टांडा में जो NTPC का पावर प्लांट लगना था, जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, LND के बड़े बड़े अधिकारी आकर के यही निवेदन सरकार से करते थे कि अगर जमीन उपलब्ध हो जाए तो यहां पर जल्दी पावर प्लांट लग करके तैयार हो जाएगा। मुझे खुशी इस बात की कि वहां के किसानों ने हमारा कहना माना, सरकार का कहना माना और पूरी की पूरी जमीन उपलब्ध करा दी। आज उसका परिणाम है कि वहां पर भी बिजली का बड़ा कारखाना लग करके तैयार हो गया और बड़ी कैपेसिटी का बिजली का प्लांट चल रहा है। 13-2 है 660-662 तो 1300 के लगभग मेगावाट बनकर के तैयार हो गया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है तो उसके पीछे ये तमाम योजनाएं हैं जो समाजवादी सरकार बनने पर पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश को 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारे किसान की आय तो दोगुनी इस सरकार नहीं कर पाई, इस सरकार ने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मैं इनके लंबे लंबे भाषण सुनता हूं, इनके बड़े बड़े भाषण आते हैं लेकिन एक भी भाषण में किसान को लेकर की बात नहीं कह रहे हैं। पहले तो साजिश कर करके ये 3 ऐसे कानून लाए जिन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, उनके हाथ में खेती नहीं बचती। मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने 3 कानून वापस ले लिए और मैं जानता हूं और हमारे तमाम साथियों ने बताया
कि जिस समय गाजीपुर से मऊ आजमगढ़ होते हुए जब सवेरे रथ पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि किसानों के 3 कानून वापस ले लिए। जहां उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि जहां पर किसान लगातार आंदोलन करते रहे, पंजाब के किसान डट गए, देश के किसानों ने साथ दिया और उसका परिणाम हुआ कि 3 कानून भी वापस हो गए। ये 3 कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोट पर है। साथ ही साथ ये तो बताया मैंने कि पावर प्लांट कहां लगे हैं, कोल जनरेशन से भी बड़े पैमाने पे बिजली बन रही है, लेकिन इस सरकार ने कोल जनरेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारे शुगर मिल प्लांट थे उन पे सरकार की तरफ से नेताजी के समय पर एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और इन्वेस्टमेंट होकर के कोल जनरेशन के प्लांट लगे थे जिससे सरप्लस बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही थी। लेकिन इस सरकार की नाकामी की वजह से कोल जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाया है। तो बिजली पर्याप्त का इंतजाम करना और साथ ही साथ हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये भी नहीं जानते होंगे कितनी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी होंगी। कभी आप बताओ पत्रकार साथियों, उनके मुंह से कभी ट्रांसमिशन लाइन शब्द सुना आपने? 5 साल गुजर गए, अगर कभी ट्रांसमिशन लाइन बोला हो उन्होंने तो बता दो। अभी वो रट रहे हैं अकेले में बैठ करके, और अगली प्रेस में जाना पूछना कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप रट पाए कि नहीं रट पाए। अभी वो अकेले में बैठ करके रट रहे हैं कि 3x63 सुपरग्रिड थर्मल प्लांट कब बोला जाए। अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बोलने की, और आपने ये सवाल पूछ लिया वो कभी बोलेंगे नहीं। और ट्रांसमिशन लाइन बनाई उत्तर प्रदेश में क्योंकि पुरानी सरकार जो थी उसका शुरुआत की थी ट्रांसमिशन लाइन की, और उस ट्रांसमिशन लाइन को पूरा करने का काम पूरे देश में अगर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन लाइन में किसी में आया और उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में फीडर अलग करना, फीडर सेपरेशन का काम, नए नए सबस्टेशन बनना, बिजली को अंडरग्राउंड ले जाना, मुझे याद है आजमगढ़ का सबसे पहले अंडरग्राउंड केबलिंग किया था, मऊ का भी शुरू करा दिया था, बनारस से पहले सारनाथ का सरकार से हो गया, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम बनारस को भी करना चाहते हैं। उस समय के जो बिजली मंत्री थे उन्होंने हमारे प्रमुख सचिव से कहा कि बिजली को हम अपने हिसाब से अपने माध्यम से किसी से लगवाना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार मान जाए तो हम उसी तरीके से लगाने का काम करेंगे। मुझे याद है हमने अपने प्रमुख सचिव से कहा कि अगर वो केंद्र सरकार के कोई मंत्री कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से अंडरग्राउंड केबलिंग कराना चाहते हैं तो उसको पूरी की पूरी परमिशन दी जाए और स्वीकृत कर ली जाए, और उसका परिणाम है कि बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग अगर किसी की वजह से हो रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से। मुझे वो दिन भी याद है जो आज हमारे बीच नहीं है लालजी टंडन जी, वो और बनारस के बहुत बुजुर्ग विधायक, कई बार के रहे विधायक जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया, श्याम देव चौधरी जी, वो वहां हड़ताल पे बैठ गए थे, और हड़ताल पे इसलिए बैठ गए थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली हो जाए। कई दिनों जब हड़ताल पे वो बैठे रहे उस समय के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि अगर ये हड़ताल पे नहीं बैठे तो हो सकता है इनकी जान चली जाए, इसलिए इनकी मांग आप मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने उसी दिन फैसला लिया और उन्हें बुलाया अपने यहां बैठा करके उनकी भूख हड़ताल छुड़वाई, और उसी दिन बनारस को 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो वो समाजवादी सरकार थी। अगर मेरा कहना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं तो उन बुजुर्ग के घर पे जाएं जिन बुजुर्ग की आपने टिकट काटी, वो कम से कम सच बता देंगे कि हाँ उनकी भूख हड़ताल की वजह से उस समय की समाजवादी सरकार ने बिजली 24 घंटे दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता, वो झूठ में कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठ बोलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं
और अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल का कार्यक्रम के आयोजन का जो संतोष पांडे जी ने किया वो भी यहाँ बैठे हैं, उनके तमाम सहयोगी साथी हैं जो सुन भी रहे हैं और बाहर भी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया और बहुत उसका संदेश दूर दूर तक गया है। वो आपके साथ चार पांच लोग हैं, ज्ञापन देंगे, आप बुला लो, आप बुला लो सिंह के साथ बुला लो पहले, तब ज्ञापन बाद में लेंगे, सवाल जवाब हो जाते। आपको खड़ा कर लो, इधर खड़ा कर लो। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी वो किसान जिनकी आंदोलन के समय पर जान गई है उन सभी किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेगी और साथ ही साथ एक किसानों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की सूची नहीं जारी कर रहे हैं, ये इशारा आपने किया है, तो क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि राम राज्य की जो बात होती है उसके पीछे क्या हकीकत क्या है? ये सवाल ऐसा है, आप नाम पढ़ती हैं कि ये माफिया किस पार्टी के तो अच्छा लगता है? आपने बोला ना, नहीं वो तो मैंने बोला, लेकिन अगर आप नाम पढ़ के पूछती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं बताता कि हाँ ये बीजेपी के हैं। और मैं फिर दोहराता हूं वो बात, अभी जो सूची आई है जिसमें विधायकों पे आरोप लगे हैं, एक रिपोर्ट आई एरिया रिपोर्ट, उसमें सबसे ज्यादा विधायक जिन पर मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, और पूरे देश का पहली बार इतिहास बनाने का काम किया है कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम धाराएं मुकदमे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बुजुर्ग है जो कई वर्षों से खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत कर रहे थे वो कई बार कहते हैं कि बताइए हम तो खून पसीना बहा रहे थे, ये जाने कहां से आए और हमारे ऊपर बैठा दिया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? समाजवाद पे जब किताब लिखवानी थी तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखवाई किताब, द सोशलिस्ट मॉम, द सोशलिज्म का जो रास्ता है वही राम राज्य को लिए रास्ता है, जिस समय पूरी तरीके से समाजवाद लागू हो जाएगा वही राम राज्य है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द सोशलिस्ट मॉम की हिंदी क्या होगी? हमारी बहन जिन्होंने पूछा है हमसे सवाल, नहीं उन्हें पता है, हमारी बहन ने सवाल पूछा है हमसे राम राज्य पर, तो मैं आपसे केवल हिंदी जानना चाहता हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री जो है वो समाजवाद में न जाने क्या क्या ध्यान देते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी किताब लिखवानी थी तो उन्होंने किताब लिखवाई द सोशलिस्ट मॉन्क। ये आपकी बहन, वो उन्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा कोई सवाल नहीं है ये। हाँ, उत्तर प्रदेश में 24 लाख लोग जो है वो श्रम सेवा योजना विभाग में रजिस्टर्ड, 2012 से 2017 तक का आपका जो पीरियड देखा था मैंने, उत्तर प्रदेश भर्ती चयन आयोग है जो समूह ग की भर्तियां करेगा, और उस पीरियड की जो भर्तियां हैं और खासतौर पर इस पीरियड की जो 5 वर्षों की लगभग भर्तियां हैं, इतने बेरोजगार हैं, और इस पीरियड की भर्तियों में लगभग 12 भर्तियां होनी थी जो नहीं हो पाई, और तमाम जो आयोग बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसमें भी तमाम भर्तियां नहीं हो पाई, तो फर्क साफ है। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूँ याद दिलाने के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनोगे, अभी मैंने भाषण सुना स्मार्टफोन और टैबलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर, हालांकि वो लैपटॉप नहीं देंगे किसी को।